ऋषि सुनक और हमजा यूसुफ ब्रिटेन में एशियाई मूल के ये दो राजनेता आज अपने अपने देश में शीर्ष पद पर हैं। दोनों का ही जड़िया विभाजित भारत से है, लेकिन वर्तमान में दोनों के हितों में टकराव है। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड को संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ऋषि सुनक के कंधे पर ब्रिटेन की भौगोलिक सीमाओं को कायम रखने की चुनौती है। स्कॉटलैंड की ये मांग भारत के विभाजित होकर अलग पाकिस्तान बनने की याद दिलाती है। कहते हैं कि इतिहास कभी न कभी खुद को दोहराता है। भारत का विभाजन करवाने वाले ब्रिटेन के साम्राज्यवादियों पीएम क्लीमेंट एटली और वायसराय माउंटबेटन ने शायद ही कभी ये कल्पना की होगी कि भारत के बंटवारे के मात्र 75 साल बाद एक ऐसा मौका आएगा जब ब्रिटेन के बंटवारे पर गंभीर चर्चा होगी। नियति का न्याय तो ये भी है कि इस बंटवारे को रोकने या मुकम्मल करने की जिम्मेदारी एक हिंदुस्तानी मूल और एक पाकिस्तानी मूल के नेता के हाथ में है। भारत की आजादी के 75 साल बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतवंशी मूल के हिंदू ऋषि सुनक हैं और ब्रिटेन से अलग होने की मांग कर रहे स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर एक पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम हमजा यूसुफ हैं। हमजा यूसुफ पिछले सोमवार को ही स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। फर्स्ट मिनिस्टर यानी कि वहां का प्रधानमंत्री, मतलब कि स्कॉटलैंड का सर्वोच्च नेता जिनके हाथों में सभी विधायी और कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं।